आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल करेले। सबसे पहले मैंने एक प्याज ले लिया है जो मैंने काट लिया है, एक अदर टमाटर ले लिया है इसको मैंने चॉप कर लिया, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 1 किलो करेले ले लिए हैं और 1.5 पाव चने की दाल ले लिया जिसको मैंने भिगो दिया है और करेलों को मैंने नमक लगा के रख दिया है। मिर्ची ले लिया, उसमें हम प्याज डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, लहसुन अदरक डाल देंगे पेस्ट, टमाटर डाल देंगे और इसमें चने की दाल डाल देंगे। वन टेबलस्पून 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट नमक डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी दरा मिर्च डाल देंगे, 1/2 टेबलस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून ही काली मिर्च डाल देंगे और 1/2 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया ज़ीरा डाल देंगे पिसा हुआ। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी के ऐड करके इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम दरमियानी आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे। यह जो हमने करेलों को नमक लगाया हुआ था इसको अब हमने 20 से 25 मिनट रख के इसको अब हमने धो के स्क्वीज़ कर लिया, निचोड़ लिया। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे, इसको अब हमने कढ़ाई में डाल दिया। अभी हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, इसको अभी ऐसे ही फ्राई करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और कड़वापन इसका ख़त्म हो जाए। निचोड़ने के बाद इसका जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था वो भी खुश्क हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें ऑयल डाल दिया हमने, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, इसको हमें अच्छी तरह करना है फ्राई। ये देखें दाल भी हमारी अभी पक रही है, अभी थोड़ी सी बाकी है। अभी हम करेलों को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। ये हमारे करेले लाइट ब्राउन हो गए हैं, अभी हम इसको अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। ये हमारे करेले ब्राउन हो गए हैं, हमने इस तरह के ब्राउन करके रखने हैं। ये हमारी दाल भी पककर तैयार है, अब हम इसको करेलों में डाल देंगे जो हमने फ्राई किए हैं। अब हमने दाल को करेलों में डाल दिया, अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स करके दम पे रख देंगे। अब हम इसको दम लगा देंगे। ये हमारे दाल करेले तैयार हो गए हैं, अब हम इसमें गरम मसाला धनिया इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर और दम पर रख कर फिर डिश में निकाल लेंगे। ये हमारे मज़ेदार से चना दाल करेले तैयार हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें।